सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना प्लेन ते 7th लेक्चर है। मतलब प्लेन दे नाल लाइन विच शुरू हो जाएगी। मैं उसनों अलग तो टॉपिक नहीं बनाऊंगा। लाइन एंड प्लेन, लाइन कल्ली पढ़ ली, प्लेन कल्ला पढ़ लिया। हूँ जे लाइन दे क्वेश्चन विच आ जाएंगे तो विच ही आप ला लेंगे, ठीक है जी। सो कहिंदा सब तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू शो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। सो तुहानू ऑलरेडी आता है, सिर्फ डेफिनेशन दसन की जरूरत है। हाउ टू शो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है जी। हुण अगर तो वैक्टर मैथड लिए, वैक्टर मैथड का क्या होंगे कि तीन इन्हों के वैक्टर बना लो थोड़े को, जिमें हूँ आ ए बी ए सी ए डी तीन बना लो, तीन का स्केलर प्रोडक्ट लो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दो। पर क्योंकि असी प्लेन च कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरैक्टली सानू सिलेबस चो हट गया है, तो फिर असी प्लेन च की करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू एनी 3 पॉइंट्स। मतलब एनी 3 पॉइंट्स तुसी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो कि थोड़े को एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर उन्होंने सैटिस्फाई करता हैगा है, तो फोर्थ पॉइंट वो उत्ते लाई करता हैगा है, उस केस विच तुसी कोप्लेनर होंगे, ठीक है जी। तो जे फोर्थ पॉइंट नहीं लाई करता तो तुसी कोप्लेनर नहीं होंगे थोड़े को। सो इन्नी गल है थोड़े को, और वो किवें निकलते होंगे ने पॉइंट, वो तो दस्या सी जी। सिर्फ एक हिंट दे देना, क्योंकि तुसी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो। एक्स माइनस एक्स वन वी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जैड माइनस जैड वन इज इक्वल टू जीरो। अब पहला पॉइंट ये लाई, पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन की जगह ध्यान, एक्स माइनस एक्स वन कौन आ गया जीरो, दूजा पॉइंट वाई माइनस वाई वन सो वाई प्लस वन आ गया, तीसरा सी जैड माइनस जीरो। तो अल्टीमेटली थोड़ी जी बन गई ए एक्स इतने बन गया, तो इतने बी वाई बन गया प्लस बी हो गया, ठीक है जी। तो प्लस सी जैड आ गया इज इक्वल टू जीरो। सो आ वाली सिचुएशन बन गई थोड़े को। जोड़े अदर टू हैं, जोड़े मर्जी टू तुम सिलेक्ट करो वो लाई ऑन इट। सो यदा ना अगर ए रख ला, ए बी रख ला, ए सी रख ला, यदा डी रख ला, तो यदा मतलब बी एंड सी जोड़ा है तुहाडे पास, बी एंड सी लाई ऑन इट, सी लाई ऑन इट। सो बी एंड सी लाई ऑन इट, ठीक है। बी एंड सी का मतलब है कि बी का पॉइंट है 2, एक्स की जगह पर 2 आ जाना, वाई वाई की जगह पर 1 आ जाना, ठीक है। जो इतने 1 आया तो डेफिनेटली 2 भी बन जूगा, एक्स की जगह पर 2 2 ए, ठीक है। वाई की जगह पर 1 1 इतने, एक एक बी 2 बी आ गया। जेड की जगह पर माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तीजा पॉइंट सी हैगा, सी इतने लाई करता तो पास इतने ए आ जाएगा, है ना, 1 है, फिर इतने 1 है तो इतने 2 बी ही आ जाएगा तो पास, फिर उत्थे सी आ जाएगा तो जीरो। तुसी इन्हां नूं सॉल्व कर लोगे, किवें सॉल्व कर दे, 2312 मैथड ला के तुहाडी जिहड़ी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन जदों तुहानूं मिल गई, उस तो बाद तुसी कोप्लेनर कढ़ने बड़े आराम नाल तुसी जिहड़ा हैगा कर सकदे हो, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इह क्वेश्चन तुसी आराम नाल कर लैणा हैगा। बुक विच प्लेन कढ़न लई इक डिटरमीनेंट वाला फार्मूला दिता होया, सो डिटरमीनेंट वाला फार्मूला जिहड़ा है अपन ने नहीं यूज़ करना, इस चीज़ का ख्याल रखना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। प्लेन कढ़न लई, ठीक है, कोप्लेनर लई डिटरमीनेंट शुरू कर कढ़दे हो तुहाडे पास, तो फिर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसैप्ट आ जाता, बैटर है इस तरह करो, क्योंकि ये डायरैक्टली सिलेबस हैगा, ठीक है जी। सो अगे देखो जी की हैगा, अगे मैं की हैडिंग लिखा हैगा, हैडिंग लिखी है प्लेन कंटेनिंग जिहड़ा हैगा 2 लाइनस, ठीक है जी। सो एक प्लेन है जिहड़ा वो 2 लाइनस कंटेन करता हैगा। इहदा एक मिनट क्वेश्चन लभ लां तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। हाँ जी, जो प्लेन कंटेनिंग 2 कोप्लेनर लाइनस आ गया तो इस तरह के केस विच आपां की कर सकते हैं तुहाडे कोल, तो मतलब क्या कंडीशन होएगी तो किदां दा सवाल होएगा। सो ये 2 तरीके नाल हो सकता है जी तुहाडे कोल, 2 तरीके नाल। मतलब एक तरीका तो यह होगा तुहाडे कोल बई जिहड़ा हैगा ये वैक्टर फॉर्म के निकाल लिए, दूसरा तरीका होगा कि ट्रडिशनली जिदा आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। सो जो बहुत सारे फार्मूले नहीं याद कर सकते तो अभी ट्रडिशनली चलोंगे। तो सोच के देखो, कहिंदा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 कोप्लेनर लाइनस, मतलब एक थोड़ा प्लेन है ना, उन्हें ये 2 कोप्लेनर लाइनस कंटेन की हुई, ठीक है जी। सो 2 कोप्लेनर लाइन कंटेन की हुई ने, ठीक है। तो जोड़ा है तुसी कोई पॉइंट ए इत्थे लै लिया, है ना, कोई पॉइंट बी इत्थे लै लिया, तो तुसी कोई पी पॉइंट जोड़ा है तुहाडे कोल एक्स वाई जैड जोड़ा है तुहाडे कोल, तो पी पॉइंट एक्स वाई जैड इत्थे आपां लै लैने तुहाडे कोल। हुण अगर तुसी ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल, ठीक है, अगर मैं देखा तुहाडे पास बई जिहड़ा हैगा ए पॉइंट, ठीक है, कुछ मैं ए
अगर ए पॉइंट की गल करा, ए पॉइंट मैं लाइन लई है और लाइन मेरी पहली ओ है, जे लाइन मेरी ओ है तो इस लाइन की खासियत की है कि है, मैं बड़ा बनाता थोड़ा जा क्योंकि देखने आराम ना तो सौख रहेगी थोड़े को। तो जड़ा है मान लो मैं ए लिया है ना, तो यद मतलब ये पता कि ए किसी फिक्स पॉइंट चो पास करता है तो बी जे पैरल लाइन चलती है ना, तो दूसरी मैं लाइन ले ला, चलो ए किसी जड़ा है सी पॉइंट चो पास कर दी है, तो सी पॉइंट चो पास कर दी है पैरल है किसी डी दे है, पी मैं इतने ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। सो अगर मैं ए पी नू ज्वाइन करा, पी का वैक्टर मैं किसी ओरिजन के विद रिस्पैक्ट टू आर ले लैंदा वा थोड़े को, जे मैं ए पी नू ज्वाइन करता वा, ठीक है। सो आ ए ले लिए आ पी ले लिए, तो जे मैं ए पी नू ज्वाइन करता वा, ठीक है, तो ये ओ पी माइनस ओ ए होना चाहिए, ओ कितने भी हो सकता थोड़ा, कितने भी अज्यूम करना कर लो, नहीं करना तो भी कुछ नहीं, ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ पी है ना ओरिजन तो पी, वह आप आर ले लिया पोजिशन वैक्टर, ए का अपने को हैगा ही सीगा थोड़े को, मतलब आ गया। हूँ प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइनज है, ठीक है जी, तो जे कोपलेनर लाइन प्लेन ने कंटेन करनिया ने तो सारे इको प्लेन के होने चाहिए हैं जी सारे, तो यह मतलब प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइन की आजूगा, प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइनज थोड़ी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो चाहिए है, जनरल फॉर्म च होना चाहिए। सो एक्स वाई जेड जनरल फॉर्म है तो पहला पॉइंट आ, क्योंकि कोपलेनर की कंडीशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, तो पहला पॉइंट आ ले लिया, दूजा इधरों टैक्शन कोसाइन ले लिया जिसे बी दे पैरेलल, तीसरे विच डी आ गया। तो ये जिहड़ी कंडीशन है ये है कि आ दो लाइन एक प्लेन च सी, उस प्लेन च पॉइंट ले लिया, तो तिने कोपलेनर ने, यानी कि प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू कोपलेनर लाइन आप इदा लभ लेनी हैगी है थोड़े को, ठीक है जी। तो जे तुसी कहो मैं इस इक्वेशन नू तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है उहदे विच लिखना हैगा है बे, क्या इहनू कार्टीजियन फॉर्म च लिखिया जा सकदा? यस, आर दे एक्स वाई जेड ले ने, ए दे ए वन ए टू ए थ्री ले लैने, ए दे कोआर्डीनेट्स कुछ तो होणगे ना, तो ए नू मैं ले लैंदा वा, ए दे कोआर्डीनेट्स ले लैंदा ए वन नाल आई, ए टू नाल जे, ए थ्री नाल के, ठीक है। सो इहदा मतलब एक्स वन माइनस ए, वाई वन माइनस ए टू, जेड माइनस ए थ्री, सो ए वाली चीज़ आ जाएगी थोड़े को, ठीक है जी। उस तो बाद इक्वल टू जीरो तो रखना ही रखना डिटरमीनेंट नू, सो आ नहीं रहा थोड़े कैमरे, सो डिटरमीनेंट नू जीरो तो रखना ही रखना। उस तो बाद दूजा बी ते डी सी, बी ते डी ने अपने दे दिते बी वन, ठीक है, बी टू ते बी थ्री ते डी वन ते डी टू ते डी थ्री। सो ये जिहड़ी तुसी दो लाइना नू कंटेन करदा प्लेन कढोगे वह कुछ इस तरह थोड़ी बुक दे विच एक डायरैक्ट फार्मूला लिखा होगा, बट जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराना मैं तुम ट्रडिशनली दसदा कि होंगे हैगा, क्योंकि ट्रडिशनली नाल तुसी बड़े वधिया ढंग नाल सीख जाओगे। सो देखिए जी अगे क्वेश्चन कहिंदा, सो सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता जी, कहिंदा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइनस। तो आप हुण इहनू एक ऑप्शन लईए कि असी बिल्कुल ले मैं ना कोई असी फॉर्मूला नहीं रटा मारिया होया, तो असी फिर भी इस बनाना चाह रहे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइनस। ओके, तो तुसी जे बड़े ध्यान नाल देखो थोड़े कोल, सो मैं एक रफ डायग्राम बनाना, आ मेरा प्लेन है, प्लेन ने लाइन कंटेन कर ली, प्लेन ने लाइन कंटेन कर ली, इस लाइन का ना वन दे दिता, इसका ना टू दे दिता, वन ते टू लाइना प्लेन ने कंटेन कर ली। अब लाइन नंबर वन किते ते पास करती सी, लाइन नंबर पास करती सी माइनस वन, ठीक है, तीन ते माइनस दो चो पास करती है, लाइन नंबर टू किते चो पास करती है, जीरो सत्त ते माइनस सत्त चो पास करती है, ठीक है जी। लाइन नंबर वन आपां नूं पता लग गई तुहाडे पास किते चो पास करती है कि किते चो पास करती है जी, तुहाडे कोल माइनस एक तीन ते माइनस दो, तो लाइन नंबर टू कि चो पास करती है जीरो माइनस सत्त, डायरेक्शन रेशोज उन्हां दी थले हैगियां ने, ठीक है। हुण सीधी जी गल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइनज आ, प्लेन इस प्लेन ने प्लेन कंटेन लाइनज है, सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है जी, ध्यान ना समझो, मैं तुहानूं दो मैथड दिंदा वा इहदे, तुसी जिहड़ा मैथड मर्जी कर लियो। प्लेन कंटेन लाइनज है, प्लेन ने लाइन कंटेन कीती, बैटर आही है जिहड़ा मैं करा रहा पहलां। सो जदों प्लेन ने लाइन कंटेन कर ली, तुसी एवें समझ लो जिवें फर्श उत्ते तुसी दो रस्सियां रखियां हुंदियां ने, ठीक है जी। अगर तुसी कहो मैं फर्श उत्ते दो रस्सियां रखियां हुई हैं तुहाडे कोल, तां उस केस विच की है, जे फर्श ते पानी डुलूगा तां रस्सी भी गिल्ली होगी, मीनस प्लेन पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स पक्का, ठीक है।
ठीक है जी। प्लेन कंटेन लाइन्स एज प्ले कंटेन लाइन देयर फोर प्लेन पासिस थ्रू किधे तो एक तीन माइनस दो माइनस एक तीन माइनस दो एंड ए रख लिया तो बी रख लिया जीरो सत्त माइनस सत्त। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन की होगी ए एक्स माइनस एक्स वन पहला पॉइंट ठीक है जी, बी वाई माइनस वाई वन दूजा पॉइंट, सी जेड माइनस जेड वन तीजा पॉइंट। सो ए एक्स माइनस एक्स वन पहला, बी वाई माइनस दूजा, सी जेड माइनस एक्स हो गए। आला पॉइंट इतने लाई करता, सो लाई करता तो इतने तुम्हें करना क्योंकि वह भी प्लेन च है, तो जे लाई करता है इतने असी जीरो दे दिता तो ए आ गया है ना, इतने सत्त भरिया तो इतने चार बी आ गया, इतने माइनस सत्त भरिया तो प्लस पाँच सी आ गया इजिकल टू जीरो आ गया। तो पहली इक्वेशन साड़ी जी हैगी तैयार होगी। और कितना तैयार की अपने जी थोड़े को आ पॉइंट लाइन दे विच है, मतलब प्लेन दे विच है, आ पॉइंट भी प्लेन च है क्योंकि लाइना इन्हों चो पास कर दिया ने, ते प्लेन लाइन नू कंटेन करता। तो पहला की बन गया थोड़े पास इतने आप गए ठीक है एक्स की जगह पर ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन होंगे ना, सो आ होंगे जो किसी ने कन्फ्यूजन है एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की थां पहला पॉइंट गया आ आ गया, बी वाई की थां दूजा पॉइंट गया आ आ गया, सी जेड की थां तीजा पॉइंट गया दो आ गया। हूँ लाई करता लाई करता तो इतने जीरो भरया ए, उस बाद सत्त भरया सच तीन घटाए बी और जो माइनस सत्त भरया माइनस सत्त भरया सो माइनस वन जा सकता ठीक है जी। सो माइनस सत्त भरया तो माइनस पाँच आ जाएगा क्योंकि प्लस दो सीगा थोड़े को सी आ जाएगा। सो पहली क्वेश्चन आ गई थोड़े को, सो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एक क्वेश्चन ना काम नहीं सरना है थोड़े को ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं की थोड़े को एक क्वेश्चन ना नहीं सरता है, अपने कोल होर ऑप्शन बहुत ने, होर ऑप्शन की ने थोड़े को देखो जेड़ा थोड़े को प्लेन ते डायरेक्शन नॉर्मल पावगा वो परपेंडिक और लाइन पर भी परपेंडिकुलर होएगा। सोच देखो तुसी जरा जिनी एक सोच नू डेप्थ विच लेके जाओगे ना थोड़ा उन्ना क्वेश्चन बढ़िया ढंग ना हो जाएगा। क्या है कि जेड़ा थोड़े पास जेड़ा डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन है जो कि असी ए बी सी लिया इज आलसो नॉर्मल ऑन द लाइनस ठीक है ना। सो जेड़ा डायरेक्शन नॉर्मल है, डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेनस आलसो नॉर्मल टू द लाइनस, नॉर्मल मैंने परपेंडिकुलर टू लाइन्स, जो परपेंडिकुलर है लाइन्स के उत्ते तो फिर की कंडीशन होएगी ए दी माइनस तीन नाल माइनस तीन नाल ए ठीक है, दो नाल बी ठीक है जी, तो एक नाल सी इज इक्वल टू जीरो। जे अगली दी भी लानी है कंडीशन ठीक है तो थोड़े को जड़ा है ए माइनस तीन बी प्लस दो सी इक्वल टू जीरो। हूँ सवाल है कि कंडीशन तीन हो गई ठीक है जी, कंडीशन तीन हो गई एट ए टाइम थोड़ा दो नाल कम सरता है। सो तुसी तीन कंडीशनस बना लिया, तुसी कोई दो सॉल्व कर लो, जदों ये सॉल्व हो गई जे इसने तीजी सैटिस्फाई करती इट मीनस तुसी सही चल रहे हो, तुहाडे कोल कोई दिक्कत वाली गल नहीं। चाहे आ दो सॉल्व कर लो इनू सैटिस्फाई करा लो, चाहे आ दो सॉल्व कर लो इनू सैटिस्फाई करा लो, अगर इन्हें सैटिस्फाई कर दिती तो समझ लो तुहाडा क्वेश्चन ओके है, तुहाडे कोल तुहाडी कोई गलती नहीं। तो जे तुसी वेरीफाई ना करना होवे फिर तुसी आ कंडीशन स्किप भी कर सकते हो तुहाडे कोल, पर मैं कहूँगा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आना है, वेरीफाई तो असं जरूर करांगे पेपर के विच, एवें थोड़ी करांगे भी सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है चल छड़ पर भी लोड़ नहीं जी। सो मतलब इतने इतने एक चीज़ है, कोई बच्चा सियाना होगा या कहूगा कि सर जब तीन कंडीशन है मैंने लोड़ है दो दी है तो मैं आ दो भी यूज़ कर सकता, यस आ दो भी यूज़ कर सकता, जे आ दो यूज़ करदा तो यदि लोड़ की है, बिल्कुल यदि लोड़ नहीं हैगी जी, पर जे एक बार लिख ली जाए तो दस सेकेंड का कम है, तो क्वेश्चन वेरीफाई होंदा होवे तो सानू प्रॉब्लम भी की है भाई ठीक है। सो मैं दोबारा इन्हों 2312 ना सोल्व करदा, तीन ए प्लस दो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस तीन बी प्लस दो सी इज इक्वल टू जीरो। सो ये दोनों ले लिया जी अपने, हूँ 2312 में मैथड लिखा ठीक है जी, 2312 तो तुम याद रखना पेपर से नहीं लिखे है ना। सो तुम दूजी लिखनी है, थोड़े को दूजी कि जी दो माइनस तीन, तीजी लिखनी है एक ते दो क्योंकि दूजा कोफिशेंट आए जी, तीजा कोफिशेंट आए पहला तीन एक दूजा रिपीट दो माइनस तीन। सो ए बी ते सी, सो 2312 थोड़ा जहा ध्यान ना लाना जी। सो ए वाली चीज़ होगी चार, उधर हो गया प्लस तीन सात
ठीक हो गया जी। तो जिहड़ी हैगी है अगली वाली आई तुहाडे कोल 1 प्लस 3 दूनी 6, तो ये भी 7 रह गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो तीसरी वाली जिहड़ी आई -9, माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा -2। सो ए नीचे भी 7 आ गया, बी नीचे भी 7 आ गया, सी नीचे भी 7 आ गया लैमडा। सो ए दी वैल्यू 7 लैमडा। ईवन तुसी रेशो चो कट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुसी इस नूं एवें भी कह सकते हो भी ए नीचे 1, बी नीचे 1, सी नीचे 1, लैमडा रेशो चो कट दिता, कोई दिक्कत नहीं, कटिया जा सकता। ठीक है। तो फिर ए दी वैल्यू लैमडा आ गई, बी दी वैल्यू लैमडा आ गई, तो सी दी वैल्यू लैमडा आ गई। तो ए बी सी कितने भरने ने अपा ने तुहाडे कोल, इस इक्वेशन साडी कि जी आ लिखी हुई है तुहाडे सामने। सो मैं दूजे पेज ते लिखण लगी हाँ, ए एक्स प्लस 1, बी वाई माइनस 3, सी जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ए, ठीक है जी, ए दी वैल्यू लैमडा, लैमडा ने तो 1 हो जाना, एक्स प्लस 1 लैमडा वाई, ठीक है, माइनस 3 लैम, अल्टीमेटली लैमडा नहीं है, ये 1 है, तो लैमडे ना डिवाइड कर दोगे 1। सो एक्स प्लस 1 प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि आ 3 1 ते 2 3 ना कटिया जाना। सो अल्टीमेटली तुहाडा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हुण क्या ये आंसर ठीक है? जिहड़ी ए बी सी दियां वैल्यूज एक एक करके देखो, ए दी इत्थे एक भर के देखो, ए बी सी दियां वैल्यूज कढ़ियां जां लैमडा ही भर के देखो। आ लैमडा, आ 4 लैमडा, वो 5 लैमडा, सारे कट्टे के 0 बराबर 0। इहदा मतलब इसने सानू ये वेरीफाई करता कि मेरा रिजल्ट जिहड़ा हैगा सही है। सो जरा ध्यान नाल देखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री दे नंबर ने। मैं तुहानू इक अल्टरनेटिव दे दिंदा वां, बट जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन की एक्सपैक्टेशन होंदी है उही होंगी है कि जो आप कहने कि कोपलेनर कंटेनिंग लाइनस, तो थोड़ू प्लेन के उत्ते वो चीज़ नज़र आनी चाहिए है, ये डिमांड होंगी है 6 मार्क्स क्वेश्चन की। तो यह मतलब अगला टीचर या CBSE एक्सपैक्ट करती है कि थोड़ा इस तरह कंडीशनस बनानिया आदिया हो। ठीक है जी। तो जे मैं आही क्वेश्चन अल्टरनेटिव फॉर्म करा थोड़े को, ठीक है जी। सो अल्टरनेटिव फॉर्म के होया कि मैं हुणे तुहानू एक आर्टिकल कराया सीगा। आर्टिकल की मतलब एक तुहाडा बेस जनरेट कीता सी भी आ एक ऑप्शन है तुहाडे कोल, भाई तुसी क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। इस ऑप्शन च बी ते सी तुहाडे डायरेक्शन रेशो वाले कोआर्डीनेट्स हुंदे ने, एक्स आर तुहाडा एक्स वाई जेड हुंदा, तो ए तुहाडा जिहड़ा हुंदा हैगा जिहदे विचों तुहाडी पहली लाइन पास करती हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ए वाली चीज़ां हैगियां। सो अगर ए पॉसिबिलिटी नूं भी आपां एक्सप्लोर करिए, सो मेरा अल्टरनेट दे रहा वहाँ, और अल्टरनेट ता करना जे तुसी ओरिजिनल मैथड भुल जाओ। ठीक है जी। जे तुसी ओरिजिनल मैथड भुल जाओ तो तुसी अल्टरनेट कर सकते हो तुहाडे कोल। और अल्टरनेट च की है, मेरी जिहड़ी पहली लाइन है, ठीक है जी, पहली लाइन मेरी कितना दी हैगी है जी, जो आपां देखिए पहली लाइन नूं मैं इदा लिखता हूं ना, ए प्लस लैमडा पी। ठीक है। तो जिहड़ा हैगा आर ने तो आर ही रहना है, ए जिदे चो तुसी पास करते हो, बी जिहड़े थोड़े डायरेक्शन कोसाइन ने पास खींचो करते हैं, माइनस 1 नाल आई, प्लस 3 नाल जे, माइनस 2 नाल के, इहदे चो असी पास करते हैं लैमडा, लैमडा लैमडा ही हुंदा है। बी जिहड़े थोड़े डायरेक्शन रेशो है, 3 नाल आई, 2 नाल जे, तो 1 नाल के। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख ली जी। दूजी लाइन जिहड़ी हैगी है वो पास की चो करती है जी, तुहाडे पास 0 नाल आई, ठीक है, 7 नाल जे, माइनस 7 नाल के, तो इहदा म्यू लै लैने आ, तो इहदे डायरेक्शन रेशो की है, 1 नाल आई, 3 नाल जे, तो 2 नाल के। सो ठीक हो गया जी। आर दी वैल्यू थोनू पता है एक्स नाल आई, वाई नाल जे, जेड नाल के होंदी है। ठीक है जी। और प्लेन कंटेनिंग कोपलेनर लाइनस का फार्मूला की होंदा, आर माइनस ए, ठीक है जी, फिर बी ते फिर सी। ठीक है जी। बी आ सीगा ते जी दूसरा आर, ए दी थां ते आपां दूजी लाइन लिखी सी उरे सी, ते उरे म्यू डी। सो आर माइनस ए सीगा, फिर आपां ने उहदे विच लाया सी बी, उरे सी नहीं उरे डी लाएगा, तो ए इज इक्वल टू 0 आ हुंदी है। तो हुण तुसीं डिटरमीनेंट लिखिया आर एक्स माइनस ए, ए दा कंपोनेंट पहला, ए किनू कह रहे सी, इनू कह रहे सी, तो माइनस दा प्लस हो जाएगा,
वाई माइनस दूजा कंपोनेंट तीन जैड जैड इक्वल टू जीरो श्योरली है जैड। मैं ये तां कर रहा क्योंकि तुहानू बुक्स दे विच कीता मिलना है ते बंदा उस टाइम समझण ऐ लग जांदा वी आ सर ने तो इदां दा कुछ दस्या नहीं ये की कीता होया। सो उस चीज़ लई अल्टरनेटिव अगर तुसीं फस्ट मैथड समझ गए तो बहुत अच्छी गल हैगी है तुहाडे कोल। सो वाई माइनस थ्री तो जैड आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी जैड, ठीक है ए दी वैल्यू जैड देखो तुसीं इत्थों पास करदे सी माइनस दा प्लस प्लस हुण माइनस रू जैड प्लस टू, ठीक है जी। हुण जिहड़े बी ते डी ने थोड़ी पैरेलल वालियां लाइनां ने, सो माइनस तीन दो ते एक, एक माइनस तीन ते दो, ठीक है जी। सो ए वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल तो ए वाली चीज़ रह गई। हुण डिटरमीनेंट नूं आपां एक्सपेंड करना, सो पहला आ गया एक्स प्लस वन, सो ब्रैकेट्स की आएगा आ ते आ छड्डे गए चार प्लस तीन सत्त, दूजी का साइन चेंज हुंदा करता सो आ ते आ छड्डे गए, ठीक है जी ते आ ते आ छड्डे गए ते ए आऊगा माइनस छे माइनस वन, ओके ते फिर आ गया जैड प्लस दो, आ ते आ छड्डे गए ये आया नौ माइनस दो। सो देखो आटो मकैनिज़म है तुहाडे पास, ये सत्त है सत्त नाल मैं डिवाइड कर दिना, सो ये कट्टी गई जी माइनस छे ते एक माइनस माइनस प्लस सत्त हो गया तो कट्टी गई जी तुहाडे कोल नौ चो दो कटाए सत्त कट्टिया गया जी। सो इत्थों एक्स आ गया वाई आ गया जैड आ गया प्लस वन प्लस दो माइनस तीन आ गया कैंसल 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 एक्स प्लस वाई प्लस जैड इज इक्वल टू जीरो। सो थोड़ा जिहड़ा क्वेश्चन बन गया, सो अल्टीमेटली जो असी थोनू जो जे वैक्टर की तरह चलीए तो मैं एक आ कंडीशन डराइव कर दिती सी थोड़ी किसी की बुक विच ए भी होएगी थोड़े कोल, ठीक है जी। दूसरे नंबर ते आपां तुहानू कहा बई तुसी बिल्कुल कोई वैक्टर नहीं कोई कुछ नहीं एक लॉजिक लैके चलो कि दो चो पास है डायरेक्शन नॉर्मल थोड़ा परपेंडिकुलर है तो लॉजिक, और इस पार्ट विच एक वेरीफिकेशन वाला एलीमेंट भी है थोड़े कोल, ठीक है। सो तुसी इहदे नाल वेरीफाई भी कर सकते हो। सो पहला मैथड मच बैटर है जी थोड़े कोल तो तुसीं यही फॉलो करना है। दूजा तां दस्या कि कई बार क्लास टीचर ने पढ़ाया हुंदा ते आपां नूं बुक विच मिल जांदा ते आपां नूं समझ नहीं आता भी मेरी बुक तो इस तरह कर रही है पर मैनूं पढ़ाया इस तरह नहीं गया, ठीक है जी। बाकी नैक्सट लैक्चर्स करते हैं, थैंक यू।